हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमारा जो कंप्यूटर होता है जब हम उसे ऑन करते हैं, जैसे कि अपने यूपीएस को ऑन किए और अपने सीपीयू को ऑन किए, लेकिन हमारे मॉनिटर में डिस्प्ले शो नहीं होता है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, ये प्रॉब्लम होता क्यों है, आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। यदि आपको भी कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम है तो प्लीज इस वीडियो को आखिर तक देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमें सबसे पहले अपने सीपीयू को बंद कर लेना होगा। जैसे कि यूपीएस को मैं बंद कर देता हूं और यूपीएस का जो मेन कनेक्शन जहां से हम लोग का पावर सप्लाई होता है उसको हम लोग प्लग को बाहर निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अपना जो पीसी है यानी कि सीपीयू है उसके अंदर से हम लोग जितने एडाप्टर कनेक्ट किए हुए हैं उनको सभी को बाहर निकाल लेंगे। और बाहर हम इसलिए निकालेंगे कि हम लोग को अपने सीपीयू को बाहर निकालना होगा और हमें उसे खोलना होगा। लेकिन यदि आपका जो पीसीयू है उसे आप निकाल नहीं सकते हैं, जहाँ पे उसे सेट किए हैं वहाँ से आप अपने सीपीयू को नहीं निकाल सकते हैं, तो आपको क्या करना है कि सिंपल सा आपको सभी एडाप्टर को वहीं पे छोड़ देना है जैसे है वैसे ही। सिर्फ आपको इसके एक कवर को यानी कि जो हम लोग की बॉडी होती है बॉडी का कवर एक निकाल लेना है। वो कवर कौन सा निकालना है वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि दोस्तों आप देखेंगे तो आपके जो पीसीयू है उसके अंदर हम लोग को एक झरने टाइप का मिलता है, जाली टाइप का। उसके अंदर से आपका यदि सीपीयू का वायर दिखता है, तार वगैरह दिखता है, तो आपको वही बॉडी का ढक्कन कवारना है, खोलना है, क्योंकि वही ढक्कन खुलता है। आपको पीछे के साइड में स्क्रू दिया होता है तो उस स्क्रू को खोल लेना है। और मैं स्क्रू नहीं लगाया था तो इसलिए मैं अपने ढक्कन को इजिली निकाल पाया, खोल पाया हूँ। जैसे ही खोलेंगे तो आपका पूरा तरह से यहाँ पे सीपीयू आपको देखने को लगेगा, जो कि कंप्यूटर आपका। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। यदि मैं बहुत ज़्यादा सेफ रखता हूँ, मेरा जो आप वीडियो में देखते ही होंगे कि मेरे पीछे ही रहता है, तो बहुत ही ज़्यादा मैं सेफ रखता हूँ, फिर भी इतना कचरा मेरे सीपीयू में है। यदि आप लोगों को भी सीपीयू यदि बहुत लंबा टाइम तक नहीं ओपन किए होंगे तो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा कचरा होगा। तो हमें यहाँ पर सिंपल सा क्या करना है कि आपको जो दिख रहा है स्क्रीन पे ये हमारा रैम है, जो कि मेरे में दो रैम है, आप में एक रैम भी हो सकता है। तो यहाँ पे इनको निकालना है। नीचे के साइड में हमें निकालने के लिए एक चिटकनी दो दिया हुआ है, मतलब एक रैम को एक दिया हुआ है, नीचे भी दिया हुआ होता है, ऊपर भी रहता है, ठीक है। तो हमें किसी एक साइड का खोल लेना है, यानी कि नीचे के साइड हम पुश करेंगे उसको आराम से तो वो आसानी से खुल जाता है, ठीक है। और अपने रैम को हम लोग निकाल लेंगे, यहाँ पे आसानी से निकल जाता है। आपको ये कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करना है, इजीली आपको निकालना है। नहीं निकलता है तो आप उसे फिर से ध्यान से देखें कि वो कैसे निकलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा ये दो रैम है। आपके सीपीयू में फिर से मैं बता दूं कि एक रैम भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा कि अपने रैम और पीसीयू को साफ करना है। सबसे पहले तो हम लोग जो सीपीयू है हम लोग का उसके अंदर जहाँ पे रैम लगाया गया था उसे हम लोग एक ब्रश लेंगे और इस ब्रश के जरिए अपने रैम के स्थान जहाँ पे रैम लगा रहा था वहाँ उसको हम लोग अच्छे से साफ कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे कचरा हो जाने से हम लोग का सीपीयू हैंग करता है या फिर हम लोग का कंप्यूटर स्टार्ट होने में प्रॉब्लम करता है, बार बार हम लोग का कंप्यूटर बंद हो जाता है, इस प्रकार से बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। इसके थ्रू हम लोग का कंप्यूटर सही से वर्क नहीं कर पाता है, काम नहीं कर पाता है। तो हम लोग इसको अच्छे से साफ कर लेते हैं ब्रश से। और हम लोग साफ करने के बाद अपने रैम को साफ करेंगे। साफ करने के लिए रैम को हम लोग एक मीटन की सहायता से हम लोग इसे साफ करेंगे। तो जो मीटन होता है उसको रबड़ का जो मीटन होता है उसे हम लोग लेंगे, रबड़ भी कुछ लोग बोलते हैं, तो रबड़ ले लेंगे। और अपने रैम का जो पीला सतह दिख रहा है उसको हम लोग अच्छी से साफ करेंगे, क्योंकि उस पर भी थोड़ा बहुत कचरा जम जाता है और वो बहुत ही बारीकी से जमता है, जाकि हम दिखता नहीं है। बहुत लोग यहाँ पे जीभ से यहाँ पे मतलब पानी वगैरह या मुँह में लगाकर इसको साफ करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम का यहाँ पे थोड़ा भी कचरा यानी कि मूर्छा पकड़ लिया तो खत्म हो जाता है, ऐसे मूर्छा पकड़ता नहीं है। तो हम लोग को सदा सावधानी रखने के लिए अपने रबड़ का इस्तेमाल करके साफ करना चाहिए अपने रैम को, ठीक है। तो मैं रैम यहाँ पे रबड़ के थ्रू साफ कर लेता हूँ रैम को। रैम को साफ करने के बाद हम लोग को क्या करना है, सिंपल सा इन दोनों रैम को हमें उठाना है
और जहां से हम लोग अपने रैम को निकाले थे वहीं पे हम लोग को एक एक रैम लेकर, जैसे कि एक रैम में ले लिया हूं। और यहां पे आपको ध्यान रखना है कि रैम के बीच में हमें एक छोटा सा होल मिलता है, कट आउट मिलता है, जो कि ये लगाते समय आपको ध्यान रखना होगा। एक साइड हम लोग को बड़ा दिखेगा, एक साइड हम लोग को यहाँ पे देखेंगे तो आपको सीपीयू में भी देखने को मिल जाएगा जहां पे हम लोग का रैम लगा है, तो एक साइड हम लोग को कम साइज मिलेगा, एक साइड हम लोग को ज्यादा लंबा साइज मिलेगा। तो ये आपको एडजस्ट करना होगा, ध्यान से लगाना होगा कि हम लोग का गलत साइड ना लगे, वरना आपका रैम टूट सकता है एंड आपका पीसीयू का भी जो मास्टर की है वो भी खराब हो सकता है। उसको कुछ और बोलते हैं लोग, लेकिन मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। तो उसे हम लोग अच्छे से इसको ध्यान रखते हुए और ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, बहुत ही आराम से बैठाएंगे और दोनों साइड की तरफ हम लोग थोड़ा थोड़ा प्यूस करेंगे, दबाएंगे उसको, तो इजीली हम लोग का रैम उसके अंदर बैठ जाता है और किट का आवाज़ जाता है। थोड़ा सा आवाज़ आएगा किट का तो समझिएगा कि आपका ये रैम इजीली बैठ चुका है आराम से। ठीक है, अभी देख सकते हैं मेरे हाथ में जो रैम लिया हूँ उल्टा है, तो हम लोग इसे सीधा कर लेंगे और इसे भी अच्छे से सेट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको भी सेट कर लेता हूँ फटाफट से, पर आपको फिर से मैं बता दूं कि इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा, वरना आपका रैम टूट सकता है एंड हम लोग का सीपीयू भी खराब हो सकता है, तो हम लोग को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो रैम आप अच्छे से निकालिएगा और बहुत ही बारीकी से बैठेगा, ज़बरदस्ती कुछ भी हमें नहीं करना है अपने रैम और अपने सीपीयू के साथ। ठीक है, तो हम लोग का रैम अच्छे से एडजस्ट हो चुका है, अभी यहाँ पे देख सकते हो आप लोग क्लियर, यहाँ पे ऊपर के साइड में भी दो सेट के दे जाता है, नीचे के साइड में भी हमें, तो ऑटोमेटिक यदि आप दोनों साइड प्रेस करेंगे तो हम लोग का रैम की आवाज़ इजिली बैठ जाता है। फिर अपने कवर को हम लोग उसके अंदर सेट कर देंगे और कवर को सेट करने से पहले हम लोग अपने जो वायर हैं सबको हम लोग एक साइड में कर लेंगे, ताकि हम लोग का जो हीटिंग फैन है, कूलिंग फैन है, सॉरी कूलिंग फैन है, वो हम लोग का दिक्कत ना हो चलने में। तो सभी वायर को कूलिंग फैन के साइड से हटा देंगे और अपने रैम को इधर कर देंगे। ठीक है, इतना कंप्लीट कर दीजिएगा, फिर अपने कवर को हम लोग अच्छे से एडजस्ट करके यहाँ पे लगा देंगे। अभी अपने कवर को लगाने के बाद जो भी हम एडाप्टर को बाहर निकाले थे वो एडाप्टर को ऐड करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग का ये जो सभी एडाप्टर हैं इनको भी आपको ध्यान से रखना है, और सबसे पहले तो हम लोग को अपने एडाप्टर को, सभी एडाप्टर को साफ कर लेंगे, जैसे कि पावर सप्लाई का जो हो गया तो वहाँ पर देख लेंगे, एंड सबसे ज़रूरी होता है हम लोग के मोनिटर का एडाप्टर, उसको हम लोग साफ कर लेंगे, जो कि अपने सीपीयू में भी, अपने वायर वाले एडाप्टर को भी। ठीक है, दोनों को साफ कर लेंगे। और यहाँ पर जब हम लोग जब वो साफ हो जाता है तो हमें अपने मॉनिटर का जो एडाप्टर है इसे हम लोग इजिली, जो है कि आप देख सकते हैं हमें वहाँ पे दो तरह का मिलता है, तो इसके अंदर हम लोग को कांटेदार है, तो हम लोग को अपने सीपीयू में जो कांटेदार नहीं है उसके अंदर, यानी कि जो हम लोग का ये कांटेदार है कहाँ पे बैठेगा वो तो सभी को कॉमन सेंस है, इजिली वो लोग बैठा सकते हैं, आप भी बैठा सकते हो, तो इजिली आप इसे भी ध्यान से देख लीजिएगा। कोई भी मिस्टेक करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, ज़बरदस्ती किसी को नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये ज़बरदस्ती नहीं, आराम से आप बैठाइएगा। इसमें भी एक साइड बड़ा होता है, एक साइड छोटा होता है, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा और इसे लगाकर इसे ऐड कर देंगे और इसको हम लोग फिट कर देंगे। सभी एडाप्टर को फटाफट से मैं लगाता हूँ। यदि आप लोग पहली बार अपने एडाप्टर को ऐड कर रहे हैं, अपने सीपीयू को छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो आप जो भी एडाप्टर निकालेंगे बाहर उसको बारीकी से देख लीजिएगा कि मैं किस एडाप्टर को कहां से निकाल रहा हूं और इसे कैसे लगा, जैसे निकालेंगे सेम उसी प्रकार से हम लोग का एडाप्टर लगेगा, तो इसको आप बारीकी से ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग अपने सीपीयू को स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर को, तो सबसे पहले इसके अंदर हम लोग वायर को, जो मेन करेंट है, इसको हम लोग सप्लाई देंगे, मेन सप्लाई को ऑन करेंगे और अपने जो यूपीएस है इसको ऑन कर देंगे। जैसे ही यूपीएस हम लोग का ऑन हो जाता है, लोडिंग उठा लेता है, तो हम लोग अपने सीपीयू के ऑन करेंगे। तो सीपीयू को ऑन मैं कर देता हूं, तो इसके अंदर मेरा सीपीयू के अंदर लाइट जल चुका है, जैसा कि आप देख लो मेरा सीपीयू ऑन हो चुका है, और मॉनिटर के अंदर हम देखेंगे तो यहां पे मेरा सीपीयू ऑन हो चुका है। देख सकते हो कि कुछ भी हम लोग नहीं किए हुए हैं, कोई भी मैकेनिकल, इसमें कोई भी टेक्निकल फॉल्ट नहीं था, कोई भी सॉफ्टवेयर फॉल्ट नहीं था, इजीली हम लोग का सिर्फ रैम साफ करने पे अपन लोग का कंप्यूटर ऑन हो चुका है। अभी जो आपका कंप्यूटर हैंग कर रहा था वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, यदि आपका कंप्यूटर स्लो चल रहा था वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और आपका जो स्टार्टिंग का प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो जाएगा। यदि आपका इसके स्टार्टिंग में आपको यदि स्टार्ट कुछ एरर आता है, तो आपको सिंपल सा अपने कीपैड बटन के ओके को क्लिक कर देना है। ठीक है,
जो इंटर बटन है इंटर पे प्रेस कर देना है तो ऑटोमेटिक आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आप मेरे डिस्प्ले पे आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे सीपीयू ऑन हो चुका है, जो मेरा कंप्यूटर है वो ऑन हो चुका है। बाय द वे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। प्लीज पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो फॉर वॉचिंग।